फीफा वर्ल्ड कप 2022 में रोनाल्डो के प्रदर्शन को लेकर बहुत से लोगों ने उनके गेम को जज करना शुरू कर दिया था। उनकी टीम पोर्चुगल वर्ल्ड कप में ज्यादा लंबा सफर तय नहीं कर पाई थी, लेकिन आप भी जरा याद रखिए कि ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, इतनी आसानी से हार कैसे मानेंगे। और हुआ भी यही, रोनाल्डो ने साबित कर दिया कि कोई उनके बारे में कुछ भी यूं ही नहीं कह सकता। स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स नेस्ट पर और मैं हूं आपके साथ ध्रुवत्री। दरअसल अल इत्तेफाक के खिलाफ मैच में रोनाल्डो ने ले ही एक भी गोल नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने अल नसर की कप्तानी करते हुए इस मैच में टीम को जिताया। आगे वीडियो में हम आपको मैच के बारे में तो बताने ही वाले हैं, साथ ही आपको इस क्लब के साथ रोनाल्डो की नई जर्नी के बारे में भी बताएंगे। तो आप भी रोनाल्डो के फैन हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और इन्फॉर्मेटिव लगे तो डेफिनेटली इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिए। रोनाल्डो की नए क्लब के साथ शुरुआत। अभी कुछ समय पहले ही रोनाल्डो ने अल नसर के साथ रिकॉर्ड तोड़ डील साइन की है, जिसके साथ खिलाड़ी ने रविवार को ऑफिशियली शुरुआत की है। भले ही इससे पहले अल नसर के लिए रोनाल्डो फ्रेंडली मैच खेल चुके हैं, लेकिन रविवार को उन्होंने इस क्लब के लिए प्रॉपर डेब्यू कर लिया है। अल नसर के कप्तान है रोनाल्डो। रोनाल्डो को अल नसर का नया कप्तान बनाया गया है, और इस क्लब के साथ अपने डेब्यू मैच के पूरे मिनट रोनाल्डो मैदान पर रहे। इस मैच में रोनाल्डो ने एक भी गोल तो नहीं किया, लेकिन उस दौरान रोनाल्डो अल इत्तेफाक का जमकर मुकाबला करते नजर आए। उन्होंने अपने खेल से ओपोजिशन टीम के डिफेंडर्स को कंफ्यूज किया और उन्हें थका भी दिया, और कोई भी रोनाल्डो के खेल को समझ नहीं पा रहा था। वहीं देखते ही देखते टीम के तलिस्का ने 31वें मिनट में पहला गोल किया और टीम को बढ़त दिलाई, और रोनाल्डो की टीम ये मैच 1-0 से जीत गई, जिसके बाद रोनाल्डो की टीम अब सऊदी अरब लीग में टॉप पर पहुंच चुकी है। अल नसर के लिए कब खाता खोलेंगे रोनाल्डो? रोनाल्डो को अल नसर के लिए खाता खोलने का मौका इसी हफ्ते यानी गुरुवार को मिलेगा, क्योंकि इस दिन ये क्लब अपने बड़े कॉम्पिटिटर अल इतिहाद के खिलाफ मैच खेलेगा, जिसमें रोनाल्डो इस क्लब के लिए अपने गोल का उद्घाटन कर सकते हैं। इस आगामी मैच को भी देखने के लिए बहुत से फैंस आने की संभावना है, क्योंकि रविवार को हुए मैच में रोनाल्डो को देखने आए फैंस से स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। हर तरफ बस रोनाल्डो रोनाल्डो के नारे लग रहे थे, तो ऐसे में इस क्लब के लिए उनका पहला गोल देखने के लिए बहुत से फैंस आने की उम्मीद है। अल नसर के साथ 1730 करोड़ रुपए की डील। जैसा कि हमने आपको पहले के वीडियो में भी बताया था कि रोनाल्डो ने फुटबॉल जगत में 1730 करोड़ रुपए यानी 200 मिलियन यूरो की फीस पर अल नसर फुटबॉल क्लब के साथ हाल ही में डील साइन की है, जिसके साथ नई शुरुआत करने के बाद वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ अपने विवादित समय के बाद रोनाल्डो ने इस नए सफर की शुरुआत की है। आपको आज का वीडियो देख के मजा आया हो तो इसे लाइक जरूर करिए, बाकी रोनाल्डो के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि वो भी थोड़ी सी खुशी महसूस कर सके। साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, क्योंकि स्पोर्ट्स के लेटेस्ट अपडेट्स और इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए टाइमली लाते रहेंगे। इसलिए अभी के अभी हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।